दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानना तो चाहते हैं मगर जान नहीं सकते। उस चीज के लिए, उस बात के लिए हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। वैसे ही आज हम जानते हैं कि कोका कोला के ड्रिंक पूरी दुनिया में फेमस होकर भी अपने फॉर्मूला को सीक्रेट कैसे रख पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं। मार्केट में बहुत सी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग टेस्ट में, मगर उसमें से जो एक है वो है सबसे हटके, यानी कि थोड़ी अलग ही है। उसका टेस्ट भी सबसे अलग है और वह अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जो वर्ल्ड फेमस है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, उसके जैसा टेस्ट का हम भी अपना ड्रिंक बनाएं जो कि हमारा भी वर्ल्ड फेमस हो जाए, मगर ये इम्पॉसिबल है। मानो ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर यही है कि हम नहीं जानते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज करते हैं। बाद में फिर से क्वेश्चन आता है कि पूरी दुनिया में अपनी ड्रिंक फेमस है, अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग उसे पी रहे हैं, तो फिर भी हम क्यों नहीं जान सकते कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं? आंसर यह है भाई कि कोका कोला ने अपने फॉर्मूला को इतना सीक्रेट रखा है कि कोई भी उसे जान न जाए। वह फॉर्मूला का सीक्रेट मेंटेन करने के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कीमती फॉर्मूलाज की इंटरनेशनल पेटेंट्स करवा लेना ही बेहतर है, ताकि उस फॉर्मूला को क्रिएट करने में जो मेहनत लगी है, उसे बनाने में जो साइंटिस्ट को जो मेहनत लगी है, वो भी अपनी मेहनत का फल पा सके, वो भी जो उससे कुछ इनकम करना चाहे वो कर सके। मगर द ग्रेट कंपनी कोका कोला की सिरप के शोधकर्ता डॉक्टर जॉन एस पेम्बरस्टन ने अपनी कोका कोला सिरप की फॉर्मूला को रजिस्टर नहीं करवाया। वो खुद ही चाहते थे कि वो उसे रजिस्टर ना करवाएं। मानो आज कोका कोला की सक्सेस को देखकर लगता है कि उस महाशय ने एकदम सही निर्णय लिया कि अपनी फॉर्मूला के पेटेंट्स रजिस्टर नहीं करवाना चाहते थे। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि भाई, जब आप अपनी फॉर्मूला को इंटरनेशनली रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको वो हर बात वहाँ बतानी होगी जो आप अपनी फॉर्मूला को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ये सब बातें डिटेल्स के साथ आपको देनी पड़ती है, जिसके कारण आप अपने बिजनेस का सीक्रेट है वो रिवील हो सकता है। आपका जो सीक्रेट है वो दुनिया में सबके सामने आ जाने की पूरी संभावना रहती है। कुछ पैसों के लिए वह दिन रात की गई मेहनत के ऊपर पानी भी फेर देते हैं, और इसीलिए पेम्बरस्टन ने पैटर्न नहीं लिया। वैसे कोका कोला बनाने में जो यूज होने वाली सभी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें सीक्रेट तो नहीं है। कोका कोला में कोका फ्लेवर, लेमन पील्स एक्सट्रैक्ट्स, नींबू के छिलके का रस, धनिया वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। आगे बताई गई चीज़ों के अलावा वो लोग एक 7X नाम का कुछ चीज़ यूज़ करते थे, जो उन दोनों के अलावा किसी तीसरे को कभी पता नहीं चली। बाद में जब उन दोनों महाशयों यानी कि पेम्बरस्टन और रॉबिन्सन दोनों की डेथ हो गई, तब बाद में 1947 में कोका कोला के दो साइंटिस्ट जो कि रसायन शास्त्री थे, वो इस फॉर्मूला के बारे में जानते थे। उनका नाम था विलियम हीथ और बर्ट वेल्स। ये दोनों भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कोका कोला के सीक्रेट्स को संभालने के लिए बहुत ही सचेत रहते थे। वे दोनों कभी भी एक साथ में एक प्लेन में या तो एक कार में सफ़र नहीं करते हैं। अपने बॉडीगार्ड्स के बिना वह कहीं भी नहीं जाते हैं। वे कभी भी कागज़ पर अपनी 7X की जो फॉर्मूला है वो नहीं लिखते हैं, और अपने उस भेदी फॉर्मूला को बनाने के लिए भी वह अमेरिका के बाल्टीमेर में एक कंपनी में स्ट्रांग रूम है जो कि पूरा का पूरा फौलाद का बना हुआ है, और प्रॉपर वेरिफिकेशन और ऑथोराइजेशन के बिना वहां जाना इम्पॉसिबल है। मान लो उन दो कोका कोला के साइंटिस्ट को बाद करके दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वह स्ट्रांग रूम में जा सके, यानी कि पूरी दुनिया के लिए वह जगह कम्प्लीटली बैन है। वो दोनों साइंटिस्ट भी एक आध महीने में एक बार वहां पर जाकर 7X नाम का सिरप रेडी कर लेते हैं, और बाद में बाकी की चीज़ों को मिलाते ही बन जाता है हमारा अपना और सबका प्यारा कोका कोला। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्य भरी बातें कोका कोला की सक्सेस के पीछे। तो आपको क्या लगता है कि कोका कोला का ये जो सीक्रेट है वो कब तक सीक्रेट रह पाएगा? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हम आपकी कमेंट के जवाब देने के लिए हमेशा रेडी है। और दोस्तों, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ फैक्टमाइंस चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ को देख सकें सबसे पहले। नमस्कार, जय हिंद।
We'll be right back.